मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास थर्ड साइंस। अब हम आते हैं इसके फंक्शंस, पेज नंबर 18, इसके फंक्शंस पर। ठीक है, आपने फ्रूट्स के फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सीड्स पर। सीड इसको बोलते हैं, सीड। हाँ, अ सीड कंटेन्स अ बॉडी प्लांट इन साइड इट। वेन द सीड gets enough air, water and warmth, the baby plant starts growing. जब उसको proper way मिले, क्या क्या मिलता है? Fertilize मिलता है, water मिलता है, air मिलता है, तो क्या होता है? मिट्टी मिलती है, तो क्या होता है? ये क्या होता है, जो है ना, छोटे सीड होता है वो क्या होता है, बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है और बेबी प्लांट की तरह छोटा सा ग्रो होता है। देखिए, जैसे कि ये देखिए, फर्स्ट बेबी प्लांट की तरह ग्रो हुआ ना। इट ग्रोज टिल इट इज़ अ फुली ग्रोन प्लांट, और धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से ग्रो हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इसको क्या कहते हैं, जो ये एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं, डेवलपमेंट का। ओके, फंक्शन ऑफ अ सीड्स। अब फंक्शन जो है सीड्स के, सीड्स फ्रॉम न्यू प्लांट, सीड्स जो होते हैं वो नया प्लांट पैदा बनाते हैं। ठीक है, सीड्स देखिए, सीड्स हमने डाले तो न्यू प्लांट बन रहा है ना। मैनी सीड्स आर ईटन एज फूड, बहुत सारे सीड्स जो होते हैं हम लोग खाते हैं, जैसे कि क्यूमिन। ठीक है, क्यूमिन हो गया, हम लोग खाते हैं क्यूमिन को, क्या बोलते हैं, जैसे जीरा। ठीक है, इसकी सीड्स जो होते हैं हम लोग खाते हैं ना। मस्टर्ड सीड्स भी हम लोग खाते हैं, मस्टर्ड मतलब सरसों के दाने, नहीं होते जिसको राई कहते हैं, वो भी खाते हैं। तो कुछ फूड्स जो ई होते हैं, ई सीड्स, उनको हम खाते हैं। ठीक है, सम सीड्स लाइक दोज ऑफ मस्टर्ड प्लांट और सनफ्लावर प्लांट आर प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन ऑयल। और कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया और सनफ्लावर जो प्लांट हो गया, वो क्या होते हैं, इनको प्रोसेस किया जाता है किसके लिए, इनका ऑयल। देखते नहीं सरसों के तेल, सरसों का तेल क्या होता है, सरसों होती है ना, छोटे छोटे दाने होते हैं ना राई, तो उसी का ही ऑयल निकाला जाता है ना, तो वो होते हैं, उससे ऑयल निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 19। सम सीड्स आर यूज्ड इन अ किचन टू फ्लेवर फूड। कुछ जो होते हैं वो हम फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्यूमिन, जीरा एंड फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक मींस हो गया मेथी, मेथी के दानों क्या कहते हैं, फेन्यूग्रीक्स कहते हैं। अब हम इस पर स्पेलिंग कर देते हैं, FENUNU, फेन्यूग्रीक, GREEK, ग्रीक। ठीक है, फेन्यूग्रीक बोलते हैं इसको, मतलब मेथी सीड्स। ओके, आर इट्स एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग मामा जब पम्पकिन की सब्जी बनाती है कद्दू की, तो उसमें देखो आपके मेथी सीड्स मतलब फेन्यूग्रीक जो है वो सीड्स डालती है ना। और मोस्टली जब दाल बनती है तो दाल में हम हींग डालते हैं, हींग के साथ साथ हमारा क्यूमिन्स भी पड़ते हैं ना, क्यूमिन्स, जीरा। काइंड ऑफ सीड्स, अब सीड्स के भी काइंड्स है। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सीड्स बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ कॉटेलिडन्स, COCOTET, कॉटे LEDONS, कॉटेलिडेंस बोलते हैं, कॉटेलिडेंस। ठीक है, इसको DONS डोन्स नहीं बोलेंगे, डेंस बोलेंगे। डेंसिटी होती है ना, किसी चीज़ की कितनी डेंसिटी है उसी से ही ये बना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट है मोनोकॉट, मोनोकॉट सीड्स। कंटेन्स ओनली अ सिंगल कॉटेलेंस इन साइड them such as seeds of corn, जैसे कि wheat and rice. These seeds usually produce plant with long and narrow leaves. ठीक है, इसका means ये हो गया कि जो होता है, जो आप जैसे seeds का एक पूरा layer देखते हो, ठीक है, बट ये पूरा पूरा लेयर सीड्स नहीं होता है, इसके कुछ पार्ट्स में जो होता है सीड्स होता है। ठीक है, देखो जैसे इसमें दे रखा है, इनसाइड देम सच एज सीड्स
इसमें जो होते हैं, जो कुछ जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर इनसाइड जो होता है कॉटिलेडन जो होता है इनसाइड देम सच एज सीड्स ऑफ कॉर्न, जैसे ये कॉर्न का सीड्स होता है, ठीक है। इसके अंदर ये पूरा सीड्स नहीं होता है, ये छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये सीड्स होता है, ठीक है। इसी तरह से वीट में होता है, इसी तरह से राइस में होता है, ठीक है। दीज सीड्स यूजुअली प्रोड्यूस प्लांट विथ लॉन्ग एंड नैरो लीव्स। इसमें जो होता है आप इनके जो प्लांट्स कभी देखो एकदम लंबे 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 लंबे, आपने तो वीट का तो देखा है ना, गेहूं का देखा है ना, आपके ने चावल का देखा है, वो कैसे पतला पतला लंबा लंबा खड़ा हो जाता है ना। देखो गेहूं की खेती देखो, नीचे से जहाँ उगेगा वो सीधे लंबा लंबा चलता जाता जाएगा, उसकी नैरो लीव्स होती है, बहुत नैरो सी पत्ती पतली पत्तियाँ होती हैं। डिकोड सीड्स, डिकोड सीड्स पे हम आते हैं, कंटेन टू कॉटिलेडन्स इनसाइड देम। इसमें क्या होता है, दो जो होते हैं सीड्स एक अंदर होते हैं, ठीक है। सच एज सीड्स ऑफ बीन्स, जैसे बीन्स होती है, बीन्स क्या होती हैं, आप लोग जो सेम खाते हो सेम के अंदर जो होते हैं ना उसको हम बीन्स बोलते हैं, ठीक है। बीन्स हो गया, बीन्स में हमारी पी हो गया, सेम हो गई, पी हो गया मतलब मटर, एंड पल्सेस जो दालें होती हैं, इस तरह से आप देख रहे हो ना। इसमें देखो ग्रीन एरिया जो दिख रहा है ना, इधर से ही वो फटना शुरू होता है, अगर आप इतना काट के केवल डाल दोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। इसमें कुछ कुछ लेयर होते हैं जो एक्टिव होते हैं। कभी भी आप राजमा अगर कभी घर में हो तो उसको देखिएगा, राजमा जब इस तरह से होता है ना तो अंदर की साइड पे देखो एक अलग सा कुछ डिज़ाइन बनी होती है, जो इसके अंदर का एरिया होता है, ये जो अंदर का एरिया होता है इसमें अलग सी डिज़ाइन बनी होती है। यहीं से ही मैंगो का जो सीड होता है ना वो भी ऐसे ही होता है, मैंगो का सीड यहाँ से नहीं उगना शुरू करता, मैंगो का जो सीड होता है वो जो अंदर की जो लेयर होती है ना वहां से उगना शुरू करता है, ठीक है। दीज सीड्स प्रोड्यूस प्लांट विद डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ लीव्स। इनमें जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, उनके डिफरेंट शेप और साइज होते हैं उनके लीव्स के, ठीक है। उन सभी के डिफरेंट शेप मिलेंगे, डिफरेंट साइज मिलेंगे, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि किसकी खेती हो रही है, क्योंकि दूर से देखे बहुत से लोग देख के बताते देखो उसकी खेती हो रही है, क्यों, क्योंकि उनके शेप और साइज से उनको आइडिया लग जाता है कि किस चीज़ की खेती हो रही है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर आज यहाँ मैंने ऑफ कर दिया है, हम अब नेक्स्ट क्लास में इसको और इसके जितने भी आपके ट्रू करेक्ट ऑप्शन हो गए और फिल इन द ब्लैंक्स ये कंप्लीट करेंगे, अगर हो जाएगा तो मैचिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं, सो जस्ट बी सेफ एंड गुड डे।